फिल्म की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि मुर्गो नाम की एक जगह में एक डीलर से मिलने के लिए आया होता है। वो वहाँ पे उस डीलर से एक पजल बॉक्स खरीदने के लिए आया था। वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय था और उस पर कई सारे सुंदर पैटर्न्स भी बने होते हैं। ऐसा माना जाता था कि ये जो बॉक्स है वो दूसरी दुनिया के प्लेजर्स दे सकता था। फ्रैंक उस बॉक्स को खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। एक रात वो अंधेरे कमरे में बैठता है और अपने आसपास कई सारी कैंडल्स लगाता है। वो उस मिस्टीरियस पजल बॉक्स को भी निकालता है और उसे सॉल्व करना चालू कर देता है। उस बॉक्स के सॉल्व होते ही अंदर से कई सारी रेज निकलती हैं और पूरा कमरा ही बदल जाता है। ढेर सारे हुक्स भी आते हैं और उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और अगले ही पल उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे कई सारे एलियन क्रिएचर्स आते हैं जिन्हें हम सिनेबाइट कह के बुलाएंगे और इनके लीडर का नाम पिनहेड होता है। वो उस पजल बॉक्स को उठाता है और उसे वापस से रीसेट कर देता है, जिससे ये कमरा पूरी तरह साफ हो जाता है और दूसरी दुनिया का गेटवे भी बंद हो जाता है। और फ्रैंक भी यहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि सिनेबाइट्स उसे अपनी दुनिया में ले गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़े टाइम बाद वहाँ पे लैरी आता है अपनी सेकंड वाइफ जूलिया के साथ। यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि जूलिया जो थी उसका काफी टाइम से फ्रैंक के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन लैरी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लैरी की उसके फर्स्ट वाइफ से एक बेटी भी थी जिसका नाम कर्स्टी था, और क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम जूलिया से नफरत करती थी इसी कारण से वो दूसरे घर में रहा करती थी। इस घर में शिफ्ट होने के बाद जूलिया लगातार फ्रैंक के बारे में ही सोच रही होती है। इन सबके बीच जब लैरी सामान को शिफ्ट कर रहा होता है तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है। कट लगने की वजह से काफी ज्यादा खून गिर रहा होता है और वो उसी जगह पे गिर रहा था जहाँ पे फ्रैंक मारा गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि जो खून था वो नीचे के प्लैंक्स में एब्जॉर्ब होता जा रहा होता है। वो खून नीचे किसी फ्लैश में जाता है और वहाँ पे हम किसी को जिंदा होता हुआ देखते हैं। इस खून की वजह से दो दुनियाओं के बीच कनेक्शन वापस से जुड़ जाता है। फ्रैंक किसी तरह दूसरी दुनिया से आजाद हो जाता है और धीरे धीरे करके इस दुनिया में वापस आ रहा होता है। यहाँ पे हम काफी डिस्गस्टिंग तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जुड़ते हुए देखते हैं। ये जो शॉट था ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक था और आज के हिसाब से भी इसे वन ऑफ द बेस्ट शॉट माना जाता है, क्योंकि हेलरेजर का जो बजट था वो काफी ज्यादा कम था और इसी के अंदर उन्हें ये सब कुछ करना था। फ्रैंक वापस से जिंदा तो हो गया होता है लेकिन उसकी बॉडी के नाम पे सिर्फ स्केलेटन था और वो काफी ज्यादा कमजोर था। रात को जूलिया को कुछ आवाज आती है और वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है। वो वहाँ पे फ्रैंक को देखती है और उसे देख के वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फ्रैंक किसी तरह उसे रोकता है और उसे बताता है कि वो कौन है और उसके साथ ये कैसे हुआ। वो उसे ये भी बताता है कि फ्रैंक का जो ब्लड था उसकी वजह से वो वापस से जिंदा हुआ है। वो जूलिया से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस से अपनी पुरानी बॉडी चाहिए और इसी कारण से उसे कई सारे इंसानों को मार के उनके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वो चाहता था कि जूलिया उसकी इसमें मदद करे। जूलिया थोड़ा सोचती है और बाद में डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक की मदद करेगी। जूलिया अगले दिन एक आदमी को सीड्यूस करती है और उसे घर ले आती है। घर पे लाने के बाद वो उस पर हमला करती है और उसे फ्रैंक के पास छोड़ देती है। फ्रैंक उस आदमी को मार डालता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अपग्रेड हो चुकी होती है। वो जूलिया से कहता है कि वो उसे हील करने में मदद करे और बाद में वो दोनों साथ में रहेंगे। फ्रैंक को इस बात का भी डर था कि सिनेबाइट्स उसके लिए जल्द ही वापस आएंगे, इसी कारण से वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहता था। इन्हीं सब के दौरान हम कर्स्टी को देखते हैं और उसे अपने डैड के अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। जूलिया एक और आदमी को घर पे ले आती है और फ्रैंक उसे भी मार के उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रैंक अब चीजों को फील भी कर पा रहा होता है और वो जूलिया को उस बॉक्स के बारे में बताता है। फ्रैंक बताता है कि वो अर्थ के सारे प्लेजर से उब गया था और उसे कुछ नया ट्राई करना था और इसी कारण से उसने इस बॉक्स की मदद ली। ये बॉक्स फ्रैंक को एक दूसरी दुनिया में ले गया जहाँ पे सिनेबाइट्स नाम के क्रिएचर्स रहा करते थे। सिनेबाइट्स की जो दुनिया थी वो किसी नर्क से कम नहीं थी और वहाँ पे पेन और प्लेजर के बीच कोई डिफरेंस नहीं था, और इसी कारण से वो लगातार फ्रैंक को टॉर्चर कर रहे थे। पर इसी दौरान उसे किसी तरह लैरी का ब्लड मिला और वो किसी तरह यहाँ पे वापस आ गया। जूलिया एक और विक्टिम को घर ले आती है और कर्स्टी ये सब कुछ दूर से देख लेती है और उसे कुछ और ही शक होने लगता है। फ्रैंक उस आदमी पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उसकी जिंदगी लेता है। वो उसके गले में अपनी उंगलियां घुसा देता है और उसके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। कर्स्टी इसी दौरान घर के अंदर आती है और वो उस आदमी को ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए पाती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन तभी पीछे से फ्रैंक आ जाता है। वो उसे मारने के बाद कर्स्टी की ओर आगे बढ़ता है। कर्स्टी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कर्स्टी उसके बॉक्स को ले लेती है और वो देखती है कि फ्रैंक को इस बॉक्स से कुछ खास ही लगाव है। वो उस बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंकती है और मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। बाहर पहुँचने के बाद वो उसे वापस उठाती है और दौड़ने लगती है।
पर काफी ज्यादा थकने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो पजल बॉक्स भी उसके पास ही होता है और टाइम पास करने के लिए वो उसे सॉल्व करना चालू कर देती है। उस बॉक्स के सॉल्व होते ही हॉस्पिटल की दीवार में एक रास्ता खुलता है। कस्टी उस रास्ते से अंदर जाने लगती है और तभी उसे एक क्रिएचर दिखता है जो कि उसका पीछा करने लगता है। वो वहां से भागने लगती है और किसी तरह हॉस्पिटल में सेफली पहुंच जाती है और अगले ही सेकंड वो रास्ता वहां से गायब हो जाता है। कस्टी फिर से उस बॉक्स के साथ छेड़खानी करना चालू कर देती है और तभी उसके आसपास अजीब अजीब सी चीजें होना चालू हो जाती हैं। सारे के सारे सिनेबाइट्स वहां पे एक एक करके आ जाते हैं और कस्टी उन सभी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे ये भी समझ आ गया था कि फ्रैंक की ऐसी हालत करने वाले भी यही लोग हैं और वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग हैं कौन। और उसके इस सवाल पे पिनहेड बोलता है कि हम किसी के लिए राक्षस हैं और किसी के लिए फरिश्ते। कस्टी काफी ज्यादा डरी होती है लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर वो उसे छोड़ दें तो फिर वो फ्रैंक को उनके पास लेके आएगी। पिनहेड उसकी इस डील को मान लेता है लेकिन वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने उनके साथ धोखा करने की कोशिश की तो फिर वो उसे मार डालेंगे। दूसरी तरफ फ्रैंक ने लैरी को मार डाला होता है और उसकी स्किन को चुरा के उसकी आइडेंटिटी भी ले ली होती है। कस्टी तभी घर वापस पहुंचती है और उसके सामने फ्रैंक होता है जिसने लैरी की आइडेंटिटी ले ली होती है। पर कस्टी को ये नहीं पता था और उसे लग रहा था कि वो उसका डैड है। कस्टी भी उसके अजीब से बिहेवियर को नोटिस कर लेती है और उसे भी शक होने लगा था। और तभी वो लोग रिवील भी कर देते हैं कि उन्होंने लैरी को मार डाला है और उनके सामने जो खड़ा है वो फ्रैंक है। फ्रैंक इसके बाद कस्टी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जूलिया ने कस्टी को पकड़ रखा होता है और तभी फ्रैंक स्टैब कर देता है लेकिन गलती से वो चाकू जूलिया को लग जाता है और ब्लड को देखते ही फ्रैंक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जूलिया की भी लाइफ फोर्स को खींच लेता है। फ्रैंक लगातार कस्टी का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पे लैरी की डेड बॉडी भी होती है और तभी फ्रैंक अपने सच को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि वो लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है। उसके ऐसा कन्फेस करते ही सारे के सारे सिनेबाइट्स वहां पे वापस आने लगते हैं। ढेर सारी चेन्स उस पे लगने लगती हैं और उसकी स्किन को खींचने लगती हैं। वो उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देते हैं और फ्रैंक यहाँ पे फिर से मारा जाता है। फ्रैंक को मारने के बाद सिनेबाइट्स अपनी डील को तोड़ देते हैं और कस्टी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो उसे अपनी दुनिया में कई सारी चीजें दिखाएंगे पर वो सिंपली टॉर्चर की बात कर रहे होते हैं। पर तभी कस्टी को वो बॉक्स मिलता है और वो उसे रिवर्स में सॉल्व करने लगती है। वो क्यूब को सॉल्व करती है और सारे सिनेबाइट्स को एक एक करके वहां से चले जाने के लिए कहती है और ये चीज काम भी कर रही होती है क्योंकि सारे सिनेबाइट्स अपनी दुनिया में वापस जा रहे होते हैं। इसी दौरान कस्टी का बॉयफ्रेंड भी वहां पे आ जाता है और एक क्रिएचर उन पे हमला कर देता है। कस्टी टाइम रहते उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। वो दोनों इसके बाद बाहर आते हैं और कस्टी उस क्यूब को आग में फेंक देती है। पर पास में एक अजीब सा आदमी खड़ा होता है और वो उसी आग में अपना हाथ डाल के उसे बाहर निकाल लेता है। उसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है और वो एकदम से हड्डियों से बने एक ड्रैगन में बदल जाता है और वो ड्रैगन उस बॉक्स को लेके वहां से उड़ जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि उसी बॉक्स को खरीद रहा होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं और अगर आपको उनके भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।